गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम इसमें पढ़ेंगे इंडिया ड्रेसेस ऑफ द पीपल, यानी कि इंडिया के जो लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं और उनके डिफरेंट टाइप्स के ड्रेसेस होते हैं। तो ये है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर, ये जो कश्मीर का ड्रेस है इसमें फिरन शलवार, तो ये दुपट्टा लगा के ये वाला इनका फेमस ड्रेस होता है, यानी इसमें फिरन लगाते हैं और मर्द जो है वो भी फिरन लगाते हैं, लेडीज़ भी फिरन लगाती हैं, तो इनका ऐसा ड्रेस होता है। फिर उसके बाद हरियाणा में ऐसे धोती कुर्ता और पगड़ी बांधते हैं, घाघरा लगाया होता है, ये इनका ड्रेस होता है हरियाणा वालों का। ये जो है ये नागालैंड वाले हैं, ये इनका ड्रेस है। यहाँ पे ये पंजाबी, यानी पंजाब के जो लोग हैं, चाहे वो सरदार हों हिंदू हों, उनका सिंपल ड्रेस होता है, शलवार कमीज पहनते हैं और मर्द जो है साफा बांधते हैं और कुर्ता पजामा लगाते हैं। इसके बाद ये महाराष्ट्र का ये ड्रेस है लेडीज़ का, ये ऐसे वहाँ पे साड़ी बांधी जाती है। यहाँ पे आसाम के हैं, ये कुर्ता और धोती, कमीज़ और धोती लगाते हैं और लेडीज़ जो हैं वो साड़ी बांधती हैं। फिर उसके बाद आते हैं गुजरात, गुजरात के जो लेडीज़ हैं वो घाघरा और चोली पहनते हैं, मर्द जो हैं वो भी, उनका भी एक छोटा सा कुर्ता होता है फ्रॉक टाइप, और नीचे वो सुथन जैसी लगाती हैं और ऊपर से वो साफा बांधते हैं। यहाँ पे वेस्ट बंगाल के जो हैं ये कुर्ता धोती और साइड पे दुपट्टा रखते हैं, मेल फीमेल्स साड़ी बांधती हैं। तो ये केरला का है, केरला के लोग ऐसे ही, मतलब इनका डिफरेंट, इनका भी कुर्ता और धोती है लेकिन इनकी धोती में बहुत ही डिफरेंसेस होती है, और ये भी घाघरा जैसा लगाते हैं। इसके बाद ये आंध्र प्रदेश के हैं, तो इनका भी ये घाघरा टाइप ड्रेस होता है जिसको बोलते हैं लंबादी। तो ये उड़ीसा के हैं, ये धोती बांधते हैं लेकिन हमारे में धोती आगे से बांधी जाती है, मतलब ये उल्टे टाइप से धोती बांधते हैं। तो ये इनका कुर्ता और ये जो है नीचे इन्होंने धोती बांधी होती है। तो ये हमारे इंडिया के लोगों के ड्रेसेस हैं। थैंक यू।